नमस्कार, शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पमाला अर्पण करके 2 मिनट का रखा मौन। आपको बता दें, पश्चिम रेलवे अस्पताल के डॉक्टर आर कुर्रे की टीम ने रेलवे कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। नरसिंहपुर पश्चिम रेलवे हॉस्पिटल में आज स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पमाला अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इसमें पश्चिम रेलवे अस्पताल स्टाफ एवं GRP का स्टाफ मौजूद रहा। उसके बाद डॉक्टर आर कुर्रे के नेतृत्व में रेलवे अस्पताल की टीम ने रेलवे कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और रेलवे कर्मचारियों को एनुअल वेलनेस कैंप रेलवे हॉस्पिटल एवं कर्मचारी जहां कार्य कर रहे हैं वहां जाकर गए। रेलवे ब्रिज किलोमीटर 898 के पास हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। इसमें हाइट, वेट, जनरल हेल्थ चेकअप, BMI, आँखों की जाँच की गई, जिसमें कर्मचारी BP एवं शुगर उनका इलाज किया गया और स्वस्थ रहने के लिए उनको हेल्थ टिप्स दिए गए। हेल्थ एजुकेशन के द्वारा बिना मेडिसिन के शुगर एवं BP को कंट्रोल करने के लिए रेलवे चिकित्सक डॉक्टर आर कुर्रे के द्वारा हेल्थ टिप्स की जानकारी दी गई। टोटल 61 कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप किया गया। जगन न्यूज 24 मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से चंद्रशेखर की खास रिपोर्ट। क्या क्या कार्यक्रम हुआ सर? आज रेलवे हॉस्पिटल पर हमने 2 कार्यक्रम किए, जिसमें पहला जो कार्यक्रम था शहीद दिवस, जो हमारे शहीद हुए हैं उसके लिए हमने 2 मिनट का मौन रखे थे। उसके उपरांत हमने वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ रोग दिवस पे जागरूक किया गया। कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया कि यह कुष्ठ रोग क्या चीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा यह फैलता है और इसके लक्षण है जैसे कि कान में गठान आना, शरीर में चक्कर होना, यह 2 प्रकार का होता है। इसकी जांच और इलाज सभी संपूर्ण शासकीय अस्पताल में मुफ्त में होती है, दवा भी मुफ्त में दी जाती है। यह सामान्य जो प्राइमरी स्टेज में 6 महीने कोर्स से ठीक हो सकता है और MDR के कंडीशन में यह कम से कम 1 साल तक लगती है आराम होने में। यह पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है और यह भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम इसको जागरूक करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। दूसरी बात है कि यह किसी भी प्रकार का जो संक्रामक बीमारी होने के बावजूद भी तुरंत नहीं फैलता। यह 1 साल से 20 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड रहती है। जांच के द्वारा हम जो लेप्रोसी यानी हैंसन डिशीज जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम जांच से कंफर्म कर सकते हैं और इसका इलाज के द्वारा पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। यह साथ में उठने बैठने से, साथ में खाना खाने से, साथ में घूमने फिरने से यह नहीं फैलता। लगातार जिस व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से ही यह बीमारी फैल सकती है। 10 में से 1 ही व्यक्ति को संभावना रहती है फैलने की, इसलिए इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं रहती है। इलाज के द्वारा पूरा ठीक हो सकता है और यह समाज में जो हमारा कोड़ बीमारी को, एक छुआछूत की बीमारी को डर से है, तो मेरा आग्रह समाज से कि वो ज्यादा से ज्यादा इस जागरूकता करें। यह फैलने वाली बीमारी नहीं है और यह संपूर्ण इलाज के द्वारा पूरी तरीके से मरीज ठीक हो सकता है। अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24।